करते हैं, जब आपको उसकी जरूरत है तो वो आपको याद ही नहीं रहता है। बहुत बार बच्चों के साथ एग्जाम्स में ऐसा होता है, बहुत बार आप में से अगर कुछ लोग हैं जो बुक्स पढ़ते हैं, सेल्फ हेल्प बुक्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, लीडरशिप बुक्स आप पढ़ लेते हैं, लेकिन आपको जब जरूरत पड़ती है तो आपको थोड़े दिन के बाद ऐसा लगता है कि जो जो आप पढ़ते जा रहे हैं वो सब आप भूल जाते हैं। तो अगर आपको अपना पढ़ा हुआ जो कि आपने स्टडी किया वो याद रखना है तो ये खास वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ 7 टिप्स, 7 ऐसे टिप्स जो आप कुछ भी पढ़े उसको ज्यादा याद रखने में, जल्दी याद करने में आपकी मदद करेंगे। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये सातों के सातों जरूरी है। सातों में से कोई एक या दो यूज करने से काम नहीं बनेगा, इन सातों के सातों को एक साथ आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखिए पहली चीज, जब भी आप पढ़ाई करें या जो भी आप बुक्स पढ़ते हैं, जो भी आप स्टडी करें, यू शुड बी इन ए हाई परफॉर्मेंस स्टेट। आप एक्टिव होने चाहिए, अलर्ट होने चाहिए जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आप थके हैं, अगर आप इमोशनली डिस्टर्ब हैं, या फिर आपको नींद आ रही है और आप जबरदस्ती पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए आपकी सेंसेस अगर कोई चीज सही से लेंगी करती है, वो हमारी प्लानिंग पे करती है, हमारी स्ट्रेटजी पे करती है कि हम किसी चीज को प्लान कैसे करते हैं, किस तरह से हम उसको ग्रेस्ट करने की कोशिश करते हैं, है ना। हाउ टू ग्रेस्ट द थिंग्स, है ना, दैट इज बिफोर अस। जो चीज हमारे सामने है उसको हम कैसे मतलब की ग्रेस्ट करें, कैसे अपने से जोड़े, हाउ टू लिंक द सब्जेक्ट मटेरियल टू अस, अपने से हम उस सब्जेक्ट मटेरियल को कैसे जोड़े, दिमाग में कैसे उसको याद रखें, समझ रहे हैं। यानी कि कुल मिला के बहुत सारी चीजें हैं जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, है ना, उन चीजों को भी अगर अपनाएंगे आप तो आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं।